प्रिपेयर अकाउंट करंट फॉर नाथ ब्रदर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विथ, अभी देखो पहले, प्लीज प्लीज बता दो, सुनो ये क्या स्टोरी क्या है इसकी, इसका भी लॉजिक इतना एक लाइन का है। तुम लोग ने भी एडिट सुना ना, तो उसमें खाली तीन बातें याद रखना, जीरो डेट कोई भी ले सकते हैं, पर पहला वाला ले वो अच्छा है। दूसरा, मल्टीप्लाई करते हैं दैट बिकम्स क्रेडिट फॉर अ पर्टिकुलर ईयर और वन ईयर, या है ना, फिर उसके बाद डिवाइड क्यों करते हैं मालूम पड़ा, तो मल्टीप्लाई क्यों करते हैं और डिवाइड क्यों करते हैं खाली वो नहीं मालूम था। हाँ देखो ये क्या है, बराबर है, 90 डेज क्या है ये, हाँ देखो ये क्या है, प्रिपेयर अकाउंट करंट फॉर नाथ इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांस, देखो नाथ ब्रदर्स है ना, किसके साथ खेल रहा है, श्याम के साथ, तो श्याम इन अकाउंट करंट विथ नाथ। अब है ना देखो, ये नाथ के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे क्या, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पहले तो अकाउंट बनाने का है, श्याम अकाउंट बनाने का है, तो ये श्याम गुड सोल्ड टू श्याम, श्याम डेबिट और क्रेडिट बता, श्याम डेबिट, श्याम डेबिट होगा, फिर कैश रिसीव फ्रॉम श्याम, श्याम क्रेडिट, गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, श्याम क्रेडिट, श्याम क्रेडिट, पेड टू श्याम डेबिट, पेड टू श्याम डेबिट, गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम क्रेडिट, है ना, गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, श्याम क्रेडिट, पेड टू श्याम डेबिट, गुड्स सोल्ड टू श्याम डेबिट, है कि नहीं, तो ये हम लोग एंट्री कर देंगे सब, हम लोग नाथ ब्रदर्स है, क्या है, अच्छा अब है ना, हमने गुड्स सेल किया शाम को ना, तो फर्स्ट अक्टूबर से इंटरेस्ट, अगर उसने फर्स्ट अक्टूबर को भी आके दे दिया ना, तो भी इंटरेस्ट चार्ज, फर्स्ट अक्टूबर के बाद सेकंड को दिया तो एक दिन का इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो ये डेबिट होगा कि नहीं, अच्छा तो ड्यू डेट से इंटरेस्ट चार्ज करने का, इस पे डेट नहीं दिया तो यही डेट लेने की क्या, है ना, तो हर एक की ड्यू डेट होती है, बता दो कैसे, कोशिश कर रहा हूं प्लीज, अभी थोड़ा देखो ये है ना, देखो पहले मैं एक एक कॉलम, सितंबर 16 टू सेल्स, ड्यू डेट क्या है, 200 रुपया, है कि नहीं, मतलब ये क्या है कि हम लोग डेबिट वालों को इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, क्रेडिट वालों को इंटरेस्ट देते हैं, तो है ना, अगर देखो हमने इसको बोला था कभी देना, फर्स्ट अक्टूबर को देना, और इसने फर्स्ट अक्टूबर को ही दिया ना, तो हम लोग एक्चुअली इसको कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना चाहिए, पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट अक्टूबर से लेकर कभी तक है ये, फर्स्ट फेब तक ना, फर्स्ट अक्टूबर से लेकर फर्स्ट फेब तक इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, और यहां से यहां अलाउ करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, इसने कभी दिया पैसा, ये ड्यू डेट 1 अक्टूबर है ना, ये 123 डेज कहां से आ गया इसका, अच्छा अच्छा एक मिनट, ठीक है, ये भी हाँ फर्स्ट 20 बराबर है, ओके ना, देखो इसने 200 रुपया दिया कि नहीं, 200 रुपया लेने का है ना, तो इसको इंटरेस्ट कहाँ से चार्ज होगा, फर्स्ट अक्टूबर से, है ना, तो इसमें प्रॉब्लम खाली बिल रिसीवेबल का आता है, पर पहले ये समझो, हाँ तो तुम लोग फर्स्ट अक्टूबर से चार्ज करोगे ना इसको, तो फर्स्ट अक्टूबर से चार्ज करोगे तो अक्टूबर में कितने दिन होते हैं, कितने दिन लूंगा मैं, 31 और फर्स्ट तक है, फर्स्ट की रात तक 11:59 तक, समझा, ये फर्स्ट, ये लोगों को 31 जनवरी देना चाहिए, पर ये लोग ने गलत किया, चलो ठीक है, फिर क्या, कैश रिसीव्स, तो कैश कभी मिला, फर्स्ट अक्टूबर को मिला कि नहीं, 90 रुपया कि नहीं, तो इंटरेस्ट चार्ज हो, इंटरेस्ट मिलेगा 123 डेज का,
हाँ कि नहीं? अच्छा, परचेज फ्रॉम श्याम, तो श्याम से परचेज किया 500 का माल। ड्यू डेट क्या है? फर्स्ट, तो दिसंबर के बाद क्या गिनो? फर्स्ट तो 30, 31, 1, 62 डेज आया, आया, और इंटरेस्ट चार्ज करने का है ना। अच्छा, फिर परचेज फ्रॉम श्याम पेड टू श्याम, 330 पे किया, कभी पे किया? फर्स्ट नवंबर, तो फर्स्ट नवंबर से इंटरेस्ट चार्ज करने का। तो समझा ये क्या स्टोरी है? क्या मतलब? सब डेबिट्स पे इंटरेस्ट चार्ज करो और क्रेडिट पे इंटरेस्ट दो, फर्स्ट फेब इंक्लूडिंग फर्स्ट फेब। क्या फर्स्ट फेब मतलब? इंक्लूडिंग फर्स्ट फेब है ना। तो भाई ये नवंबर से 92 डेज होता है कैसे? 29, 30, 31 और 1 है कि नहीं? नहीं, 29 है ना पहला, फिर 31, फिर 31, फिर 1, ओके 92 हो गया। तो ये समझ में आया, गिनने आ गया। अब है ना सुनो, रेडिंग इंटरेस्ट क्या होता है बताता हूँ। अब है ना लुक, ये तुम लोग इंटरेस्ट चार्ज करोगे ना, तो देखो टू, तुम लोग क्या करते हो, 200 है ना अमाउंट है ना, क्या इंटू क्या करते हो? नहीं, 6/100 करते हो, इंटू क्या करते हो? 123। हाँ, इसमें ना कौन सी चीज कॉमन करने वाले हो सब में? अमाउंट चेंज होता है, डेज चेंज होता है। 6/100 इंटू डिवाइड बाय 365 डिवाइड बाय क्या? तो हाँ, तो अमाउंट और जो कॉमन, ये कर दिया तुम लोग ने। अब तुम लोग टोटल इंटरेस्ट कितना आता है? 15। और इधर कम आता है कि नहीं? तो तुम लोग का इंटरेस्ट चार्ज ज़्यादा करने का है कि नहीं? डिफरेंस कितना था? 4.97 अमाउंट भी लग गया। इधर क्या लेंगे हम लोग? क्योंकि देख बताता हूँ, तुम लोग को ये इंटरेस्ट चार्ज करना है, कितना है? 15.5, और ये इंटरेस्ट अलाउ करना है, तो ये इतना, तो कितना बचता है? तो 4.97 चार्ज करूंगा ना, तो लेट दिया पेमेंट्स, तो चार्ज कर, अभी रियल में चार्ज कर, अमाउंट में लेके आ इसको, समझा? और इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट भी होगा, डोंट वरी, समझा? ये इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है, यहाँ पे कैलकुलेशन है इंटरेस्ट का, और ये चार्ज करने का 4.97 में लूंगा आपसे। फॉलो दिस, आया समझ में कि नहीं? क्रेडिट बैलेंस दिया है तो फिर देखो क्या है, समझो। देखो ये इंटरेस्ट है ना, ये इंटरेस्ट 25 रुपया आया, 50, 25, और ये आया 60, मतलब इंटरेस्ट आपको चुकाना ज़्यादा है। यू हैव टू पे नाथ ब्रदर्स को, पहले तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे मालूम होना चाहिए, क्रिकेट भी खेलते हो, कैरम बोर्ड भी खेलते हो, तो कौन सी टीम में मालूम होना चाहिए, फुटबॉल भी मालूम, कौन सी साइड पे गोल मार रहा है ये मालूम नहीं, कैसे गोल मार रहा है, बीच में खड़े हैं हम लोग, ऐसा थोड़ी होता है। तो पहले तो हम किसके, इसके तो नाथ ब्रदर्स, मैंने तुम लोग को ग्रीन वाले एग्जाम्पल में बताया, तुम लोग सोचो मैं रेड हूँ कि नहीं, तुम लोग को बहुत मन कर रहा था ग्रीन होने का, क्योंकि ग्रीन पहले आया था कि नहीं? अच्छा, तो अगर ये 25 है और ये 40 है, समझो तो 40 देने का है ना, तो इंटरेस्ट यहाँ पे आएगा, लॉस होगा ना, तो हम इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पार्टी, इंटरेस्ट टू पार्टी शाम पर, ऐसी कोई बात बैलेंस तो लेने का है ना उससे, 194 एक्चुअली इसके पहले 190 इंटरेस्ट हो रहा था, फिर 4.97 इंटरेस्ट भी लेने का है ना, तो ये 194.97 लेने का है। अच्छा, हाँ, बैलेंस शीट में डेटर्स आएगा ना, डेटर्स संडे डेटर्स, शाम से लेने का है, शाम इज अवर डेटर, समझा? ओके, ये डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट है ना, 11 लेजर में वो तकलीफ होती है ना,
कल मैंने सिखाया लोगों को, एक ही घंटे में सिखा दिया पूरा लोगों को। हाँ कि भाई वो क्या होता है कि वो क्या होता है, पहले सब लोग बोलते सी डी लिखा है ना, तो क्रेडिट साइड पे सी डी लिखते, पहले दिमाग में ये आता है ना, ऐसा लगता है। अरे भाई सी डी छोटे साइड पे होता है, सी फॉर छोटा, और बी डी, बी डी बड़े साइड पे होता है, बी फॉर बड़ा। ओके तुम लोग ने यार डी डी कैसे लिखेंगे, इसलिए बी डी लिखते। देख कैलकुलेशन है पूरा, इंटरेस्ट का आया कि नहीं आया सब समझ में। सेकेंड मेथड क्या है, अभी ये प्रोडक्ट मेथड है ना, ये दोनों बताता हूँ। हाँ करते ना यार, करता क्या, इसमें कुछ होगा नहीं बताता हूँ। ये लोग कुछ भी कर ले, इंटरेस्ट का उतना ही फॉर्मूला, अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 365 है ना, तो अमाउंट चेंज होता है, डेज चेंज होते हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 6/100 होगा या 6/7/100 और डिवाइड बाय 3, ये कॉमन रहेगा, उसको साइड पे निकाल के कर देते। ये देख बताता हूँ, ये जो प्रोडक्ट मेथड है, मेरे ख्याल से प्रोडक्ट मेथड है ना ये, हाँ बोला नहीं है, इंटरेस्ट कॉलम प्रोवाइडेड एंड इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच आइटम इज फाउंड आउट। ओके इन दिस मेथड इंटरेस्ट कॉलम इज रिप्लेस बाय प्रोडक्ट कॉलम, ये प्रोडक्ट मेथड है ना। अब देखो क्या है प्रोडक्ट मेथड बच्चों, सांबा, हाँ प्रोडक्ट मेथड क्या है, ये देखो ये जो कहानी है, ये सेम स्टोरी की इसने, इसने ना इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया था, 4.04 बताओ, 200, अच्छा मैं ना 200 इंटू 6/100 6% था ना, इंटू 123 अपॉन 365 ना, तो 6/100 और 365 सब में आने वाला है, 6/100/365 है कि नहीं, तो है ना, ये भी हम लोग वो कंसेप्ट कर सकते हैं। देख 200 रुपया 123 दिन ना, 200 रुपया कितना दिन, तो इट इज 24,600 फॉर वन डे, आया वसूली का कंसेप्ट। अरे भाई एक दिन का इंटरेस्ट है ना यार, इस पे एक दिन का इंटरेस्ट चार्ज करना, 330 फॉर 92 डेज इज एज गुड एज 30360 फॉर वन डे, हाँ कि नहीं यार, ये नहीं समझा तुम लोगों, ये एक दिन बोले ये इतनी उधारी दी है ना, तो ये एक दिन की उधारी है, ये भी एक दिन की उधारी है, ये भी क्या है, देना मत उधारी कभी, देगा उधारी खत्म हो जाएगी यारी, समझा, फॉलो दिस, तो देना समझा है ना। हाँ दोस्त भी गवाऊंगा है ना, कोई पैसा मांगना है दोस्त तो क्या बोलना, बच्चों देख मैं पैसा नहीं दूंगा ना तो अपनी दोस्ती टूट जाएगी ज़्यादा में ज़्यादा, और अगर मैं पैसा दिया तो मेरे पैसे भी जाएंगे और दोस्ती भी जाएगी, इसलिए अच्छा है मैं पैसे बचाता हूँ, दोस्ती तेरे पे डिपेंड है, ये सब एक दिन के लिए, समझा कि नहीं, आया अब तुम लोग को कंसेप्ट यहाँ यूज़ हुआ कि नहीं, प्रोडक्ट मेथड, और ये क्या है, ये एक दिन का इंटरेस्ट है कि नहीं, तो तुम लोग को है ना देखो इतने अमाउंट पे एक दिन का इंटरेस्ट लेना है कि नहीं, कितने अमाउंट पे, इतने अमाउंट पे लेना है, कितने दिन का, एक दिन का, और इतने अमाउंट पे एक दिन का इंटरेस्ट देना है, तो फिर मतलब इतने रुपए का देने का है कि नहीं, खाली वो एक दिन का कंसेप्ट आ गया ना जिस दिन, उस दिन खलास स्टोरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। 30250 अभी कॉमन क्या लिया था तुम लोगों ने, कौन सा चीज नहीं लिया, 6/100 इंटू 6/100 इंटू 1/365 ना, आया 4.97 आया कि नहीं, आया समझ में। तो देखो हम वही चीज देखते हैं, लेकिन हमको लगता है हमको मेथड आ गया ना तो सब आ गया, ऐसे नहीं है, देयर इज समथिंग बियॉन्ड मेथड व्हिच इज कॉल्ड लॉजिक। मेथड तो तभी सिखाया जाता है लोगों को, भाई तू बैठ कर स्टेप्स और कर,
तो बगैर भेजा चलाए वाला भी है ना वो कर ले, समझा कि नहीं? मतलब जो उसको जिसको नहीं मालूम वो भी करता जाएगा, बेचारा काम करता जाएगा, प्रोडक्शन करेगा। बोलो दिस आए समझ में आएंगे? तो तुम लोग को ऐसा सीए नहीं बनना है। अच्छा ये इपॉक मेथड ना, ये ना ये नहीं है, इन दिस मेथड में बत ये आ गया। अरे बच्चों अभी अभी सिखा लेते हैं ना यार, है क्या ये मालूम प्रोडक्ट? अभी तुम लोगों को प्रोडक्ट मालूम था पहले भी ना, अभी इधर भी प्रोडक्ट का मतलब वो एक दिन का इंटरेस्ट होता है। क्या होता है? एक दिन की उधारी। क्या? मेथड ऑफ कंप्यूटिंग। ऐसे बहुत टाइम में पैसा, एक आदमी मेरे से पैसा मांगा था, बोला 3 दिन में देता हूँ, उसने 7 साल के बाद पैसा दिया, वो भी मेरी सब गालियों का स्टॉक खत्म हो गया उसके बाद। अब मैं सोच रहा था कौन सी गाली दूँ, सब तो दे चुका हूँ जितनी आती थी। मैं तो गाली का कोर्स भी ज्वाइन करने सोच रहा था इसको, नई गालियाँ ये लेटेस्ट, लेकिन तो भी बाद में उसने दिया। यूजुअली एनी ऑफ द फॉलोइंग टू मेथड इज, ये समझा, ये फॉरवर्ड मेथड, अंडर दिस मेथड नंबर ऑफ डेज आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द ड्यू डेट टिल द डेट ऑफ क्लोजिंग। ये तो हमने फॉरवर्ड मेथड किया कि नहीं अभी यार? अंडर दिस मेथड नंबर ऑफ डेज आर कैलकुलेटेड फ्रॉम ओपनिंग डेट ऑफ स्टेटमेंट टू द ड्यू डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। ओहो देखो क्या है, बताता हूं। Owing by Mr. Y, मतलब Y डेटर है कि क्रेडिटर है? Owing by Y मतलब Y has to pay. From the following, make a statement of current account rendered by, to be rendered by X to Mr. Y. मतलब किसका अकाउंट किसके बुक्स में? Y अकाउंट इन X का बुक, है ना? तो ये Y हमारा डेटर है कि क्रेडिटर है? डेटर है, 600 रुपया है कि नहीं? हाँ बता दो क्या स्टोरी है इसकी। गुड सोल्ड टू वाई, क्रेडिट पीरियड 1 मंथ है कि नहीं? एक मिनट, इपॉक मेथड ऑन दे See, I am not focusing on more number of problems, huh? Because तुम लोग एक एक चीज का खाली मेन स्टोरी मालूम होनी चाहिए। एक किधर गया है? ये देख 600 रुपये है कि नहीं? हाँ फिर गुड सोल्ड टू वाई 300, कभी बेचा? 30th September को बेचाना, 30th और 30 है ना, 300 रुपये है कि नहीं? ड्यू डेट क्या है? अगस्त। गुड्स परचेज फ्रॉम वाई, परचेज किया, अच्छी बात है, 200 रुपया, कभी 1 महीना, तो ड्यू डेट क्या है? 1st September। फिर 1st September कैश रिसीव फ्रॉम वाई, कैश मिला 100 रुपया, तो 1st September ही डालेंगे ना, उधर से है ना क्रेडिट 19। अच्छा तुम लोग को सोसाइटी में ऐसा होता है मालूम है? सोसाइटी में इंटरेस्ट चार्ज होता है ना, हाँ मेंटेनेंस पे, उसका कैलकुलेशन होता है। तुम लोग उसमें पकड़ो कुछ ना कुछ मिस्टेक निकलेगा, अगर डिफॉल्ट होगा तो इंटरेस्ट लगा होगा तो ही मिस्टेक मिलेगा। आया समझ में? अच्छा अभी ये लोग ने क्या किया, डेज ये, अच्छा ये तो इसने कौन से मेथड से किया है? नॉर्मल मेथड से किया ना। अरे ड्यू डेट क्या है इसका? ये ना इसमें फर्स्ट गिनने का कि नहीं? ओपनिंग बैलेंस में फर्स्ट भी गिनने का। देखो इसका ड्यू डेट फर्स्ट है ना, जैसे देखो फर्स्ट से लेकर कभी तक है 31st December ना, तो जुलाई में 30 गिनू कि 31 गिनू? 31, क्योंकि लास्ट हिसाब 30 जून तक हुआ होगा ना, फिर तुम लोग 30 जून को डेट चेंज करके फर्स्ट का डालते हो,
तो चीटिंग करते हो 31 जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड 184 डेज मतलब ये एक बात माननी पड़ी आज हमको कि सेकेंड पार्ट ऑफ द ईयर में 184 डेज होते हैं और फर्स्ट पार्ट में 181 होंगे ना फर्स्ट हाफ ऑफ है ना एक मिनट 360 पार्ट गिने क्या जनवरी में कितने होते हैं 31 फरवरी में 28 मार्च में 31 अप्रैल में 30 181 होता है ना तो एक्चुअली ना 30th जून इज नॉट हाफ ईयर एंडिंग नो अभी 184 इधर है ना तो और एक फर्स्ट जुलाई को जाएंगे तो क्या होगा 182 और उधर 183 तो मिड पॉइंट ऑफ द ईयर इज 2nd जुलाई नो है ना मिड पॉइंट ऑफ द ईयर इज 2nd जुलाई या मीडियन है ना इधर 182-182 बीच में होता है वो मीडियन एनीवे अभी देखिए एक गिना सेम स्टोरी है कि नहीं प्रोडक्ट मेथड क्या ही है ये 184 डेज है कि नहीं ये 30 जुलाई अगस्त से गिना 123 डे आते देखो ये समझा स्टोरी अभी ये प्रोडक्ट नहीं किया इसने क्या किया हाँ प्रोडक्ट किया ये क्या है 600 रुपया 184 डेज के लिए 600 × 184 तो ये एक दिन की उधारी है कि नहीं तो एक दिन का इंटरेस्ट लूँगा इधर भी एक दिन का लूँगा इधर भी एक दूंगा ये एक दिन का एक दिन है कि नहीं तो टोटल कौन सा महान है भाई ये वाला ज़्यादा है कि नहीं एक दिन का इतना है कि नहीं और उसमें से तो 100 देख क्या आया ये देख किया ना 100 × 18/100 × 1/365 ये 1 देख के भी 1 डे याद नहीं आया तुम लोग को हाँ और 1 डे मैच देखते हो पूरा दिन उड़ नहीं देख के भी कौन सा आ गया तेरे को अच्छा ठीक है समझा कि नहीं तो आया समझ में अभी तुम लोग ये मेथड बोल रहे हो क्या अभी है ना देखिए मॉड्यूल होता है ना नंबर आर कैलकुलेट फ्रॉम द ओपनिंग डेट ऑफ स्टेटमेंट टू द ड्यू डेट ऑफ ट्रांजेक्शन मैं बता दूं क्या ये सुनो ये ड्यू डेट क्या है इसकी ओपनिंग डेट क्या है 1/7 एक मिनट हाँ देख ये ना इसका तो कोई डेज नहीं होगा एक से एक तक तो कोई जीरो होता है ना जैसे पिक्चर आई थी कयामत से कयामत तक तो उसका नाम जीरो रखते ना कयामत से कयामत है ना पागल कैसे एक पिक्चर आई कार्तिक कॉलिंग कार्तिक खुद को कैसे कॉल करेगा दो मोबाइल होगा उसको कार्तिक कॉलिंग कार्तिक आए थे पिक्चर एक हाँ चलो सुनो अभी ये देख ये ना फर्स्ट से लेकर ये क्या करने का सुनो फर्स्ट 117 से लेकर 30th अगस्त तक कैलकुलेट करना है लास्ट डेट तक नहीं कैलकुलेट करना है कहां तक स्टार्ट डेट से लेकर तो 31 + 30 फर्स्ट को भी गिनने का इसमें फर्स्ट को भी गिनने का 61 आया ना और ये है ना बस एक ही ट्रांजेक्शन था क्या डेबिट में ये दूसरा प्रॉब्लम है क्या ये बता दो क्या है सेम तो है पहले एंट्री 600 रुपया फिर 300 रुपया फिर 200 फिर 100 और 400 डेबिट साइड एक ही है ना
दो थे पहले, एक ही है ना अभी। अच्छा ये ना फर्स्ट किधर से, फर्स्ट जुलाई से फर्स्ट सितंबर, यू नो जुलाई का 31, हाँ 31 पूरा लेना, और सितंबर का नहीं, अगस्त का 30 और सितंबर 1, 1 सितंबर भी लेने का। फिर ये क्या है, ये 63 आया वापस, फिर दिसंबर 4 तक, कहाँ से कहाँ तक, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर आया ये। हाँ सुनो सुनो, अभी ये मल्टीप्लाई किया 18,300, ये बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट्स, एक मिनट हाँ, समझाइए। हाँ इपॉक मेथड मतलब सोचो कि हमको जो भी लेन देन करनी चाहिए थी ना, ये एक लॉजिक है सोचने का, तो क्योंकि ना फिर इसमें इंटरेस्ट उल्टा हो जाता है, जो भी पेमेंट उसने किया ना हम उसके बाद का इंटरेस्ट अलाउ करते हैं ना, अब इसमें उसके पहले का चार्ज कर देते हैं। क्या करते हैं हम लोग, जैसे इस प्रॉब्लम में हमने, इसके पहले वाले सम में हमने इसको 121 डेज का इंटरेस्ट अलाउ किया कि नहीं, तो यहां पे 63 का चार्ज किया, क्या किया 63 का, इसको चार्ज कर दिया इपॉक मेथड, समझाइए। हाँ कि नहीं, हाँ करता हूँ ना, पहले पहले समझ तो लेना पूरा, नहीं कहाँ बोल रहा हूँ मैं, कहाँ भागे जा रहा हूँ, है ना, समझाइए स्टोरी। हाँ तो एग्जाम में पूछा था क्या इपॉक मेथड, नहीं पूछ सकते हैं, नया है ना, इलस्ट्रेशन ये इपॉक मेथड नहीं बोला है उसने, हाँ ये इपॉक मेथड नहीं है, कौन सा मेथड है ये, हाँ ये पहले ये अलग करते हैं और इसको हम इपॉक में करते हैं, नहीं इसको हम इपॉक में भी करते हैं ना, इसको ये कौन सा है, नाथ ब्रदर्स वाला किया उसने ना, ये वाला करना, ये इपॉक नहीं, नाथ नाथ वाला बता दो क्या है, वो बहुत लेंदी है, समझा कि नहीं, बहुत लेंदी है, नहीं जबरदस्त लेंदी है, देख ना तू पहले छोटा वाला कर दे फिर तू अपने आप, ऐसा कुछ नहीं, समझा कि नहीं, पहले तो अकाउंट बनाने का, क्या बनाने का, ये देख, गुड्स सेंट टू पॉल फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर अकाउंट करंट टू बी रेंडर्ड बाय सिंह टू मिस्टर पॉल, तो किसका अकाउंट, पॉल अकाउंट ना, हाँ तो क्या है, अब सुनो बच्चों, इधर गया देख, ये बैलेंस ओविंग नहीं, ये वाला ना प्लेसिंग वाला देख लो, ये देख गुड सेंड टू पॉल, तो पॉल अकाउंट डेबिट हुआ, ड्यू डेट कभी मानी जाएगी, ड्यू डेट कभी 11 जून, फिर 20 जून को 15 जून को पैसा आया, उधार उधार का रिवाज नहीं है ना इसमें, जून 20, फिर गुड सेंड टू पॉल जुलाई 7, और कैश रिसीट फ्रॉम पॉल कितना, अच्छा अब सुनो इसने पहले कौन सा मेथड किया है, क्योंकि तुम लोग है ना इससे इजी भी हो जाएगा, अभी देखो तुम लोग को है ना
जुलाई 11 स्टार्ट कहां से हो रहा है? 31 अगस्त लास्ट डेट है ना, 31 अगस्त क्या है? लास्ट डेट है। तो हम लोग है ना जुलाई 11 से लेकर 31 अगस्त तक दिन गिनते हैं। जुलाई 11, जून 11 सॉरी, तो जून के 19, जुलाई के 31 और अगस्त के 31। 81 आया? ऑनलाइन वाले समझ में आ रहा है कि नहीं? ऑनलाइन में हैंग हो जाते हो क्या तुम लोग? ऑल्ट कंट्रोल डिलीट दबाऊं? सुनो, फिर है ना जून 20 है ना, तो जून 20 से गिन, 10, 31, 31 कितना है? 72। और ये 50 आ गया समझ में कि नहीं आया? तो इस तरह से कैलकुलेट हुआ है। अबे ना इस पे इंटरेस्ट अलाउ होगा कि मिलेगा? इस पे चार्ज करेंगे ना हम लोग? सिंग विल चार्ज ना, सिंग चार्ज करेगा कि नहीं? और इस पे इंटरेस्ट अलाउ करेगा कि नहीं? फिर ये प्रोडक्ट है तो 1,04,120 बैलेंस आता कि नहीं इनटू वन डे कि नहीं? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10 / 100 इनटू 1/365, तो कितना है? 28 रुपया है ना। समझा ये समझा स्टोरी? अभी इसी को या ना हम किस में करेंगे? हाँ काली में प्रॉब्लम है कि आ जावे, क्योंकि इनका जो फॉर्मेटिंग है ना, नहीं हम लोग एक कॉपी किया हुआ है ना वर्ड से, अभी लोग ने इतनी डिजाइन की हुई है ना कि आदमी खाली बस अकाउंट बन जाए। कितने कॉलम बनाने हैं? 3, 4, 5, 6, 6, 6। हाउ यू गॉट 181 डेज? ये देख 81 डेज, जून 11 से लेकर 11 जून, तो जून में 19 डेज, जून 19 कल लिखो कैलकुलेटर पे, जुलाई में 31 और अगस्त में 31, 31 अगस्त तक 81 आया। आया समझ में? अच्छा, फिर 72 डेज भी ऐसे ही, 10, 31, 31, फिर जुलाई 7 है ना, तो 24 and 31, 55। ये तो आ गया समझ में? और प्रोडक्ट मेथड भी समझा आपको? आया ना? बोलो यार, दिल तोड़ दे दो तुम लोग मेरा, समझ में आया तुम लोग? थोड़ा भी तुम लोग को छः छः कॉलम है क्या? डेट हाँ, अभी इपॉक मेथड क्या? इपॉक मेथड में स्टार्ट डेट देख लेने का बच्चों क्या ना? ए लो मैं 12 कॉलम बनाई लिया के। ओ हो काट लग गई इसमें यार, तकलीफ होने वाली है। ओ हो बन गया।
क्या अब दिख रहा है? हाँ पॉल क्या है? देखो इसमें ना एक्चुअली क्या है, बुक्स ऑफ होम, बुक्स ऑफ सिंग एक्चुअली ऐसा होना चाहिए। ये कंफ्यूज करते हैं किसका अकाउंट किसके साथ है ना, मेरे को वो भी समझ में नहीं। वो स्टार प्लस पे की तरफ मैच बताते हैं ना, तो ऑस्ट्रेलिया टूर टू इंडिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया टूर टू वेस्ट इंडीज, ऐसा वो लोग लिखते हैं ना, उसमें कंफ्यूज नहीं। मैं बता रहा हूँ एग्जैक्टली नहीं था, ऑस्ट्रेलिया टूर वेस्ट इंडीज ऐसा कुछ, तो ऑस्ट्रेलिया का टूर है वेस्ट इंडीज गया, ऐसा उल्टा समझ में नहीं आता। फिर मैं आस्ते समझ गया ना। सुनो बच्चों एक मिनट, अभी 2020 कॉमन है, सुनो 11-6 समझाइए टू सेल्स, ये लिख ले पॉल को बेचा ना कितने का माल, 10 प्लीज प्लीज 1020 हाँ, फिर 15 जून 5 20 जून, अरे टेंशन मत लो तुम लोग, 2 sales आएगा, कैसे नहीं आएगा, 2 sales कितना, 650। फिर क्या बस July 7 है ना यार, कितना 5 transactions लिखे ना मैंने। अब ये ना सबसे पहले सुनो, यहां पे ना एंडिंग क्या है, अगस्त, तो बैलेंस कितना होगा मैं बताओ, आता है कि नहीं, तो ये ना 770 तुम लोग बाद में, लेकिन चेंज होने वाला है, ये क्या होने वाला है, हाँ चेंज हो, 770 फिलहाल लिखना पड़ेगा, या फिर ए साइड पे दबा के लिखी जाए, समझाइए। अबे ना तुम लोग है ना स्टार्ट पीरियड, स्टार्ट डेट क्या मानो, नहीं स्टार्ट डेट मानो फॉर 30th, क्या 11 जून से शुरू हुआ ना, तो 31 मई मानो, क्या मानो 31 मई स्टार्ट डेट मानो, भाई समझ में आ रहा है ये स्टोरी, कि ये सब लेन देन हमको कभी करना चाहिए था, 31 मई को करना चाहिए था। अज्यूम एक दिन पहले पीरियड के, अब ये पीरियड का स्टार्ट नहीं दिया ना, लास्ट पीरियड में 1 जुलाई स्टार्ट दे दिया था उसने, तो हमने बोला 30th जून। ऐसा मानो कि मेरे को, मैंने 3 बार माल बेचा है किसको, इनफैक्ट 0 date मान लो, किसको 31 मई को 0 date मान लो, बस बस अब आ गया कंसेप्ट, अब मैच हो जाएगा कि ये सब हमको कभी करना चाहिए था, लेन देन करनी चाहिए थी जो भी 31 को करनी चाहिए थी,
31 मई को कभी, हाँ यहाँ पे मैच नहीं होगा क्योंकि यह 11 जुलाई से चालू किया इसने, हाँ यहाँ पे मैच नहीं होगा ना, 11 जून से चालू किया ना एंड तक, फर्स्ट स्टेज नहीं शुरू किया है, तो अब ये 10 दिन का फर्क, 11 दिन का फर्क आएगा हमेशा, लेकिन छोड़ो अभी, हाँ टोटल 92 डेज है स्टोरी, उसमें से छोड़ो अभी, है ना, तुम लोग ने कभी करना चाहिए था तुमको, 30 ईयर्स ने किया कभी, 11 को बेचा, 11 को बेचा ना, तो तुम लोग ने 11 दिन डिले किया, हाउ मेनी डेज यू हैव डिलेड, 11 डेज। अब देखो 92 होता है कि नहीं, देख जून जुलाई अगस्त ये 3 महीने में कितने दिन होते हैं, 30 + 31 + 31 तो 92 होता है ना, अच्छा ठीक है, ये तूने कभी बेचा, 20 को बेचा, तो तूने 20 दिन लेट दिया, 20 दिन लेट दिया, तो लेट दिया है, क्योंकि लेट क्यों गए ना, हम तो बोले जल्दी दिया, हमने दिया उल्टा, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, नहीं तूने लेट दिया, तेरे को कभी देना चाहिए था, ये 31 मई को देना चाहिए था, समझाइए कौन सा मेथड है ये, इपॉक, अच्छा ये 7 को दिया तो तूने कितना डिले किया, 30 और 7 37, समझाइए, अगर ये दिमाग में नहीं हो ना तो आवे ही नहीं, अच्छा भाई 15 को दिया, 15 जून को दिया उसने, इसको कभी देना चाहिए था, तो 15 दिन लेट किया ना इसने, और इसने यहाँ पे कितना दिन लेट किया, बहुत लेट कर दिया, जून पूरा लेट किया, जुलाई लेट किया, 69 डेज लेट किया तूने, पक्का ये लेट है, लेट डेज लिख दे, लेट डेज क्या है ना, डिले डेज क्या, हाँ ये डिले डे लिखेंगे तो समझ में आएगा ना, ये डिले डेज है कि नहीं, क्योंकि जीरो डेट क्या लिया है, समझा, ये डिले वर्ड से आ जाएगा पूरा इपॉक मेथड, तो भाई तुम लेट किया, अच्छा भाई 1020 लेट किया 11 दिन के लिए तो कितना होता है, 11 220 650 आ गया प्रोडक्ट अभी, अब तुम लोग को मालूम पड़ा ये एक दिन का इंटरेस्ट है ना, तो कितना इजी होता है, सोच पहले मल्टीप्लाई तो हम भी करते थे, समझा, लेकिन क्या होता है कि 12th में सिखाएंगे ना ऐसे, तो बोले सर कितना पका, मैथ्स का भी ऐसे बोलेंगे कि सर कितना पका रहे, फॉर्मूला बताओ ना, भले मैथ्स नहीं आवे लेकिन मार्क्स आने चाहिए, 25, हाँ इससे इंसान होशियार बनता है क्या, शाणा बनते, और ये दिमाग होए तुम लोग का सबके पास है, ये कितना है, 75, हाँ ऐसे मॉड्यूल लिखेंगे तो क्लासेस बढ़ने वाले हमारे, बहुत जरूर बढ़ने वाले, अब ये इपॉक मेथड सुनो, आया समझ में, अब यार ये क्यों ऐसे, मेरा स्क्रीन बराबर नहीं हो रहा है, रिकॉर्डिंग चालू तो क्या हुआ, इसमें कौन सा अभी कौन सा क्या रोज की रिकॉर्डिंग होगी, तो अब क्या है, कब तक एक्टिंग करेंगे हम भी, अभी ये 770 है ना, इसको देना चाहिए ना, अभी तक नहीं दिया, कभी देना चाहिए था इसको, 31 मई को देना चाहिए था ना, तो है ना इसका 92 डेज कितना, हाँ तो ये ना प्रॉब्लम है, क्या है सुनो, बाय बैलेंस है ना 770, समझाइए, बाय बैलेंस प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस क्या है, 770 इंटू कितना दिन, 92 डेज ना, समझाइए, प्रोडक्ट ऑफ, एक मिनट, नहीं प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस होना चाहिए, प्रोडक्ट है ना बैलेंस का, नहीं वो ठीक है पर प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस एक है, 770 × 92 कितना होता है, 70 708 40, ये डायरेक्ट लिखने का, मेरे ख्याल से इतना कॉपी कर लो
और ऊपर ये डेट सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सी? तो मतलब तुम लोग लेट कर रहे हो सब ना, डिले कर रहे हो सब चीजें, है कि नहीं? तो डिले कर रहे हो तो तुम लोग को इस पे इंटरेस्ट, इस पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए कि लगना चाहिए? मिलना चाहिए। इस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको और इस पे इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, और ये लोग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन इधर क्यों करते हैं? अच्छी बात है क्या इधर बता? नहीं, ये प्रॉब्लम है ना यार। हाँ चल ठीक है, अभी बैलेंस कर दो। ओके चला है, समझा है? समझा? ये नया मेथड ला लाए लोग ने, पहले नहीं था। घबराओ मत। क्या? अरे क्या नहीं, तो दिखाई दे रहा है यार, इतना क्या है? कम करूं? ये आ गया ना यार डेट, 11/7/20/7 दिखाई तो दे रहा है। अच्छा इधर स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहा है। 11/6/20/7/7/7 हम 7/7 है, 8 होते तो भी क्या कर लेता। ए रुक एक मिनट, रुक मैं करता हूँ, रुक। आ गया? आ गया अभी? अभी ये उम्र में तो तुम लोग की आंखें तेज होती है ना यार। अमाउंट दिख रहा है सब उधर? प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट कितना दिखा है? पूरा दिखाई दे रहा है? ये 70840 पूरा दिखाई दे रहा है ना अच्छा समझा? 92 से क्यों मल्टीप्लाई किया मैंने? और 770 रुपया कभी देना चाहिए था इसको? 30 जून, और अभी तक नहीं दिया इसने। 31 मई तक देना चाहिए था, पर आज तक 31 अगस्त हो गई, नहीं दिया है। तो कितना डिले किया अब तक? 792 डेज पूरा है कि नहीं? अभी जाके तुम लोग ये 3 सम वापस देखोगे, समझे स्टोरी? अब करना है जाके, पर तुम लोग कल 2 घंटा देख के, तुम लोग ने कल क्या किया? आंसर से क्वेश्चन देखा कि क्वेश्चन से आंसर? विश्वा तू आई नहीं आज? हाँ ओ विश्वा, अब सुनो बच्चों, ये देख ये ना, मेरे को बताओ इस पे इंटरेस्ट, ये पूरा रिवर्स है यहाँ, इस पे इंटरेस्ट मिलेगा कि चार्ज होगा? उसने डिले किया है, ये उन लोगों को कभी करना चाहिए था, उसको कभी देना चाहिए था? 31 मई को देना चाहिए था कि नहीं? ये लेट लेट दे रहा है कि नहीं? तो 15 दिन कहाँ से गिना? 31 मई से गिना कि नहीं? मैंने डेज कहां से गिने?
डेज आर काउंटेड फ्रॉम थर्टी फर्स्ट मे टू ड्यू डेट. इसमें ड्यू डेट नहीं थी लेकिन ड्यू डेट लेते, ट्रांजेक्शन डेट और ड्यू डेट सेम थी इस सब में, है ना. चलो अब है ना, ये कितना है, इसको एक दिन का, एक दिन का 7500 75900 प्लस 70840 कितना होता है 154. आया समझ में. माइनस 11220 माइनस 13000 माइनस 25900 कितना होता है बोलो. अरे नहीं बोलोगे. तो इस पे इंटरेस्ट मिलेगा कि देना पड़ेगा. मिलेगा. इस पे इंटरेस्ट मिलेगा. ये उल्टा है ना, वो डिले किया है मैंने डिले, ये तेरा डिले उस पे इंटरेस्ट चार्ज होगा और ये मेरा डिले उस पे इंटरेस्ट भरूंगा ना. तो मैं भरूंगा, मैं चार्ज करूंगा कि नहीं. इंटरेस्ट चार्ज, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय सिंह है कि नहीं. इंटरेस्ट चार्ज बाय सिंह 104120 इंटू क्या रेट क्या है. अरे नहीं नहीं यार, ये वाला ही बताना, ये सिंह वाला उठा ना प्रॉब्लम. कॉल वही सिंह वही है यार. क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या थी 10 इंटू क्या इंटू 1 डिवाइड बाय, अभी तुम लोग 1 आने लगे ना, समझा. कितना 28.53 आया ना, सेम टू सेम. फॉलो दिस आया सर. क्लोजिंग बैलेंस में चार्ज करना है. रुक रुक, अभी इंटरेस्ट चार्ज करेंगे. टू इंटरेस्ट कितना 28.53 है कि नहीं. फॉलो दिस, इस पे इंटरेस्ट क्या होगा, मिलेगा चार्ज करेंगे ना, और इस पे इंटरेस्ट डिले किए ला हमने, डिले किए ला. ओके तो अब टोटल बच्चों टोटल बताओ 1020650 700 प्लस, ये क्या टोटल कितना आता है 2398.53. अरे ऐसे लिखना पड़ेगा ना यार. माइनस 1600 तो 798. पक्का. और इसका भी टोटल कर ही दे ताकि ये भी बुरा नहीं माने ना. ये 154240 इसको भी नीचे ले ले ना, तो ताकि ये भी लाइन में आ जाए. फॉलो दिस. तो क्या समझा तुम लोग इपॉक क्या मेथड, इपॉक मेथड क्या है, इपॉक मेथड मालूम पड़ा कि नहीं. क्या है प्रोडक्ट भी समझ में आएंगे नहीं. ये प्रोडक्ट से किया ना हमने, एक एक का इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं किया. तो तीन, एक तो एक एक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का प्रोडक्ट, और एक ड्यू डेट फर्स्ट लेने का, मतलब पीरियड होगा उसके लास्ट एक दिन का पहले का ड्यू डेट लेने का, समझा. ये एग्जांपल Thank you.
ओके फॉलो दिस। हाँ अच्छा अभी